सो गाइस, ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है जेटपैक कंपोज बूट कैंप के ऊपर। और इस वीडियो में देखते हैं कि रो कॉलम और बॉक्स क्या होता है। देखो, रो कॉलम बॉक्स क्या करता है, जितने भी आइटम्स होंगे, जितने भी हमारे विगर्स व्यू होंगे ना, उसको अरेंज करने का काम करता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। देखो, अगर एक्सएमएल की हुई है ना, तो उसमें क्या करता है हमारा, जैसे रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, या हमारा होता है फ्रेम लेआउट होता है ना, तो यही क्या होता है, उसके ऑल्टरनेट होते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर। देखो, हमें देखते हैं कि यार इसको कैसे यूज़ करना है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर ना एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, बूट कैंप 3 करके यहाँ से। परफेक्ट। तो देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक कंपोजिबल फंक्शन यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, कंपोजिबल फंक्शन जिसका नाम क्या है, बूट कैंप। चलो यहाँ पे क्रिएट करें। अभी देखते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक रो काम करना है। रो देखो, हमारे पास क्या है, रो कॉलम और बॉक्स है यहाँ पर। तो पहले हम क्या करते हैं, रो पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट करता हूँ नीचे, जो कि रो लेआउट करके है यहाँ से। अब इस रो लेआउट को देखते हैं कि रो का एक्चुअली मतलब क्या है। देखो, अगर रिलेटिव लेआउट देखा हुआ है एक्सएमएल के अंदर ना, तो रो क्या है, उसका ऑल्टरनेट है यहाँ पे जेटपैक कंपोज के अंदर। तो देखो, रो क्या करता है, हॉरिजॉन्टली डेटा को, आइटम्स को अरेंज करता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो देखो क्या करना है, अगर मुझे रो को यूज़ करना, तो क्या होता है, एक रो नाम का ना एक कंपोजेबल फंक्शन होता है यहाँ पे, हमें रो को कॉल करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे। देखो रो, देखो किसी भी कंपोजर, जो कंपोजेबल फंक्शन की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो होती है ग्रीन। ये जो जहाँ पे भी ग्रीन आ जाए ना, तो उसको समझ लो यहाँ पर कि वो एक कंपोजेबल फंक्शन है यहाँ पे। चलो, रो हो गया। अभी देखो, इस रो के अंदर जितने भी, देखो इस रो के अंदर मल्टीपल व्यूज़, मल्टीपल आइटम्स रख सकते हो, और जो भी आइटम्स रखोगे ना, वो एक के बाद एक आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली आएगा एक के बाद एक। देखो करने वाला यहाँ पर क्या हूँ मैं, देखो क्या करता हूँ यहाँ पे, मान लो सपोज़ मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, टेक्स्ट जिसका नाम क्या है, वन टेक्स्ट, राइट, ऐसा कुछ पास कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करके यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते और टेक्स्ट टू टेक्स्ट और यहाँ पे 3 टेक्स्ट। चलो, ये मैंने काम कर दिया, एक रो बनाया। अब इस रो का क्या करना पड़ेगा, ऊपर यहाँ से रो लेआउट को ऊपर से कॉल कर दो, रो लेआउट को यहाँ से। अब बूटकैंप 3 को क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने मेन एक्टिविटी में कॉल करना पड़ेगा, तभी हमारा रेंडर हो पाएगा यूआई के अंदर। सो ये क्या कर दो, बूटकैंप हमारा 3 पे को आए यहाँ पर, और एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इस चीज़ को। तो देखो, हमारा एप्लीकेशन रन हुआ, और देखो 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट और 3 टेक्स्ट, देखो एकदम टॉप पे देखना, 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 टेक्स, ये यहाँ पर आइटम्स आ चुके हैं, जो कि एकदम परफेक्ट था, और हमें कुछ करना भी नहीं था। परफेक्ट। अभी मेरी बात ये आती है ना, देखो ये जो रो देखोगे ना, रो, अब ये रो पे क्लिक किया ना मैंने यहाँ पे, तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी लेता है। अभी देखोगे ना, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी कंटेंट था, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक कंपोजेबल हायर ऑर्डर कंपोजेबल फंक्शन है जो अपने अंदर कंटेंट लेता है। तो अगर लास्ट पैरामीटर किसी फंक्शन का, अगर लास्ट पैरामीटर कंपोज हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस कर्ली ब्रेसिस में कहते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कर्ली ब्रेसिस लगा के, और वहाँ पे कुछ कंटेंट पास करना हम लोग पास कर सकते हैं। बिकॉज देखो, बाकी पैरामीटर देखोगे ना, तो वो ऑप्शनल है यहाँ पर, उसकी बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू हम लोग पास कर चुके हैं। अब देखो, ये देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, ये जो मॉडिफायर का मतलब क्या है, कि कुछ मॉडिफिकेशन करनी हम लोग कर सकते हैं, बट अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, मेन जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट, देखो ये दो जो प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा मेन प्रॉपर्टी होती है। अब ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का देखो मतलब यहाँ पर क्या है, बताते हैं एक बार। देखो, अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, और देखो कंटेंट देखोगे ना, 1 टेक्स्ट 2 टेक्स 3 टेक्स, एक के बाद एक आ चुके। अब देखो, सपोज़ मैं चाहता हूँ ना, ये जो 1 टेक्स्ट 2 टेक्स और 3 टेक्स ना, इसको अरेंज करो एक अच्छे वे के अंदर। सपोज़ मान लो, अगर रिलेटिव लेआउट के अंदर इन 1 टेक्स्ट 2 टेक्स 3 टेक्स को करना होगा अरेंज, तो मैं कैसे करूँगा यहाँ पर। सपोज़ अगर सोचो एक्सएमएल के अंदर, तो अगर मुझे कंपोज में करना उसको, तो उसको मैं कैसे करूँगा। लाइक 1 टेक्स्ट हमारा स्टार्टिंग में है, 2 टेक्स्ट एकदम सेंटर में, जो 3 टेक्स्ट है ना एकदम एंड में आएगा, तो ये हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। तो देखो, वो बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं करना हमें, हॉरिजॉन्टल क्या करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ना, देखो इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को कॉल करना है, अरेंजमेंट देखो अरेंजमेंट करके और डॉट करके यहाँ से हम लोग कॉल कर सकते हैं इसको, स्पेस बिटवीन को, ये कॉल कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, कि जो टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स 3 टेक्स्ट ना, वो उनके बीच में हुआ स्पेस आ जाएगा। एक बार क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। तो देखोगे ना, हमारा 1 टेक्स्ट स्टार्ट में है, 2nd टेक्स्ट एकदम सेंटर में, और 3rd जो है ना एकदम आखिरी में हो चुका है। तो ये एक्चुअली कैसे हुआ, ये हुआ हमारा किससे, स्पेस बिटवीन से। स्पेस बिटवीन प्रोवाइड किया था, हमारा काम बन चुका है यहाँ पे। देखो, इसमें और प्रॉपर्टी होती है, देखो सपोज मैंने डॉट करके, अगर मैं यहाँ से स्पेस इवनली पास करूँगा ना, तो तीनों के बीच में
इक्वली स्पेस आ जाएगा यहाँ पे। अभी मुझे रिफ्रेश किया, एक बार देख लेते हैं। देखो अभी तीनों के बीच में क्या हुआ, स्पेस इवनली आ चुका है यहाँ पे। देखो तीनों के देखोगे ना यहाँ पे एकदम स्पेस इवनली है। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी ना स्पेस अराउंड करके। अब स्पेस अराउंड का मतलब क्या है कि तीनों टेक्स्ट के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस आ जाएगा। देखो स्पेस इवनली नहीं होगा, इक्वल स्पेस नहीं रहेगा, बट हाँ उनके बीच में स्पेस आ जाएगा यहाँ से बस। तो देखो ये इक्वली स्पेस नहीं है, बट हाँ तो तीनों के बीच में स्पेस बस आ चुका है यहाँ से। ये बस तीन ही प्रॉपर्टी ये करता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब सपोज मान लो कि जो वन ये जो तीनों टेक्स्ट यहाँ पे एकदम मुझे पूरे एप्लीकेशन एकदम सेंटर में लाना है। देखो जहाँ पे एरो देख रहे हो ना, मुझे यहाँ लेके आना है, तो वो मैं इस चीज़ को कैसे ला सकता हूँ। देखो इस पर एक और प्रॉपर्टी होती है डॉटर के, यहाँ पे सेंटर होता है। हाँ एक्चुअली सेंटर भी होता है यहाँ पे, सॉरी सेंटर होता है। सेंटर क्या करेगा, इन तीनों टेक्स्ट को क्या करेगा, एकदम सेंटर में ले जाएगा। तीनों टेक्स्ट को एकदम सेंटर में लाने का काम करेगा, ठीक है। और देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, हमारा स्टार्ट प्रॉपर्टी होता है। स्टार्ट का मतलब क्या है, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट होगा। एक प्रॉपर्टी होती है एंड करके, तो एंड का मतलब क्या है, एकदम आखिरी में इस कंटेंट को भेज देगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो कंटेंट हुआ एकदम एंड में आ चुका है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है यहाँ से। तो सपोज़ मान लो कि मैं क्या करता हूँ, स्पेस बिटवीन रहता है यहाँ पर, स्पेस बिटवीन। अब देखो सपोज़ मेरा एक कंडीशन बनता है कि जितने भी टेक्स्ट ने एकदम मुझे सेंटर में लेके आना, तो वो हम लोग कैसे लाएंगे। देखो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो अलाइनमेंट अलाइनमेंट कॉल करोगे डॉट करके। देखो ये बस क्या करता है, तीन ही प्रॉपर्टी लेता है, मतलब तीन प्रॉपर्टी नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे। देखो मेनली क्या होती है इसका, एक होता है टॉप एंड और सेंटर वर्टिकली होता है। देखो अगर मेरे को लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, सेंटर एकदम वर्टिकली में ला दूँगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट से एक्चुअली क्या होता है, ये देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लेता है अलाइनमेंट डॉट टॉप लेता है, अलाइनमेंट डॉट टॉप ले रहा होता है इसको। लेकिन अगर मुझे इस कंटेंट को पूरा एकदम सेंटर में लिखाना, तो मैं कैसे लाऊंगा। देखो अलाइनमेंट और सेंटर वर्टिकली पास किया ना, तो क्या हुआ, एकदम सेंटर में ही आ जाएगा टेक्स्ट को। ये रिफ्रेश कर दिया मैंने, और देखोगे ना यहाँ पे जो कंटेंट हुआ एकदम सेंटर के अंदर आ चुका है, परफेक्ट। ये हो गया। अगर मुझे इस कंटेंट को एंड में लेके आना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंड नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। देखो ये हो चुका है एंड, नहीं एंड यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं होती, ये लेता है बॉटम, सॉरी ये बॉटम प्रॉपर्टी। ये तीन ही बस प्रॉपर्टी रहता है, अलाइनमेंट डॉट करके स्टार टॉप सेंटर वर्टिकली और बॉटम करके। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँगा इस चीज़ को, तो देखोगे ना यहाँ पर एकदम ये सेंटर में मतलब यहाँ पर कंटेंट आ चुका है, ठीक है। अभी मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर वर्टिकली ही रहने देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब बारी आती है ना एक सुना हुआ, देखोगे यहाँ पे मॉडिफायर का। एक्चुअली मॉडिफायर क्या करता है, देखो मॉडिफायर का मतलब क्या है, बहुत सारी कुछ चेंजेस करनी है वो हम लोग कर सकते हैं। देखो क्या करना है मॉडिफायर के अंदर, यहाँ पे क्या करता है मॉडिफायर करके, और ये मॉडिफायर एक्चुअली एक इंटरफेस होता है ये डॉट करके। ये बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्चुअली अपने देते हैं, साइज़ हो गया, फिल मैक्स, यहाँ पर फिल मैक्स साइज़ देना है वो कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाऊँ, अगर देखो एक प्रॉपर्टी होती है डॉट, एक बार डॉट करके रन पास कर लो, क्योंकि इसके पास ना मॉडिफायर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या करना पड़ता है, मुझे बार बार डॉट कर डॉट को लिख के कॉल करना पड़ता है उसको। अगर मैं रन लगाऊँ तो बार मुझे डॉट करने की कॉल की जरूरत ही पड़ेगी। देखो एक चीज़ इसमें कर सकते हैं, अगर मैं बैकग्राउंड पास करूँ यहाँ पर, बैकग्राउंड मान लो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रेड पास कर देता हूँ, ठीक है, कलर डॉट रेड। इसका मतलब क्या है, इस रो का एक्चुअली एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है जो कि रेड हो चुका है यहाँ से। तो बैकग्राउंड एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने कलर लेने का काम कर रहा होता है। तो अभी देखो कि ना ऐसा कलर एकदम रेड आ चुका, क्यों आया, बिकॉज इसका मैंने कलर एकदम रेड प्रोवाइड करवा दिया। अभी देखो एक चीज़ प्रॉपर्टी होती है ना यहाँ पर, यहाँ डॉट नहीं पास करना, फिल मैक्स साइज करके एक प्रॉपर्टी होती है। फिल मैक्स साइज का मतलब क्या है, देखो बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, अभी फिल मैक्स साइज़ ले रहा है, पूरा कंटेंट पूरी हाइट और विड्थ पूरी ले रहा है। यहाँ पे एक मैक्स हाइट होती है, मैक्स विड्थ होती है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे ना ये हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे, फिल मैक्स हाइट, फिल मैक्स विड्थ या फिल मैक्स साइज़। फिल मैक्स साइज़ का बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर फिल मैक्स विड्थ देने तो पूरी विड्थ आ जाएगी यहाँ पर, हाइट देने तो हाइट आ जाएगी यहाँ पर। देखो इस तरीके से क्या होता है, हमारा रो वर्क करता है। अब बात आती है कॉलम एक्चुअली कैसे वर्क करता है। देखो कॉलम के लिए कुछ नहीं करना है, एक पहले कंपोजर फंक्शन क्रिएट करो जिसका नाम क्या है, कॉलम लेआउट करके, लेआउट करके बना दिया। अभी मुझे क्या करना है, कॉलम। अब देखो अगर कॉलम का मतलब क्या है कि जैसे लीनियर लेआउट हमारा वर्क करता है ना, वैसे सेम वर्क करता है यहाँ पे। मतलब एक के बाद एक कंटेंट होते हैं, लेकिन ये वर्टिकली टॉप से बॉटम के बीच कंटेंट आते हैं। तो क्या करो, कॉलम के लिए क्या करना पड़ता है, कॉलम नाम का क्या होता है, हमारे पास एक कंपोजर फंक्शन था, इसे कॉल किया और ये वही प्रॉपर्टी लेगा जैसे हमारा रो प्रॉपर्टी रहता है, वो सेम ही रहता है, कुछ फर्क नहीं होता। अब देखो लास्ट में क्या है, कंटेंट नाम का एक एट्रीब्यूट है जो क्या करेगा, अपने अंदर कॉलम स्कोप ले रहा है। मतलब बोलेगा कि भाई जो भी इसमें आइटम रखोगे ना लास्ट पैरामीटर के अंदर, उसको मैं क्या करूँगा, वर्टिकली अरेंज कर दूंगा आइटम को। तो क्या करो, देखो यहाँ पर आ जाओ एंड मान लो इस
यही टेक्स्ट को मैं कॉल कर लेता हूँ वापस से। देखो इसी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ के क्या करो पेस्ट कर दो। तो ये चलो काम बन गया। अभी अगर ना है यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉलम लेआउट को जस्ट कॉल करना है एंड देन इसको रिफ्रेश कर देना है एक बार। तो देखो अभी क्या हुआ, एक के नीचे एक यहाँ पर कंटेंट आना शुरू किया, लाइक वन टैक्स, टू टैक्स और थ्री टैक्स यहाँ पे। तो अब देखो अब बारी आती है इसको आइटम्स को मुझे अरेंज भी तो करना था, वो हम लोग कैसे कर सकते। सपोज़ मान लो वन टेक्स्ट टॉप पर है, जो सेकंड टेक्स्ट है एकदम यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए, जो थर्ड टेक्स्ट ना एकदम बॉटम में आना चाहिए, वो हम लोग कैसे कर सकते। देखो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर वर्टिकल वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे कॉलम के पास प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्टिकल अरेंजमेंट, जिसका बाय डिफॉल्ट जो पार्ट होता है ना वो टॉप होता है। देखोगे अभी कंटेंट देखोगे ना एकदम वर्टिकली जो है ना वो टॉप पे गिवन है। अगर मुझे इन तीनों के बीच में स्पेस देना है यहाँ पर, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अरेंजमेंट डॉट करके यहाँ से हम लोग को स्पेस बिटवीन पास करना है। तो इसका मतलब क्या है, अब तीनों कंटेंट के बीच में वर्टिकली स्पेस बिटवीन आ जाएगा। तो देखोगे ना कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। और भी प्रॉपर्टी होती है जैसे आपका स्पेस अराउंड हो गया या स्पेस इवनली हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये भी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है यहाँ पर। बस इस तरीके से ये काम करता है और कुछ नहीं करता। जैसे हमारा रो होता है वैसे ही हमारा कॉलम होता है कोई, बट ये क्या करता है दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये वर्टिकली करता है और हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट का काम कर रहा होता है, ठीक है। चलो ये हो चुका है, लेकिन मान लो जो टेक्स वन टेक्स टू टेक्स और थ्री टेक्स ना, इसको मुझे एकदम पूरे सेंटर में लेके आना है, मतलब पूरे एप्लीकेशन एकदम सेंटर में लेके आना। तो वो उसके लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो सपोज पहले मान लो एक ना सेंटर नाम की प्रॉपर्टी होती है, पहले इसको सेंटर दे दो एकदम। तो इसका मतलब क्या है कि जो पूरा कंटेंट होगा ना वो एकदम सेंटर में आने वाला है। देखो ये एकदम सेंटर में आ चुका है। अब मान लो कि मुझे इन कंटेंट एकदम एप्लीकेशन एकदम सेंटर में लेकर आना, तो वो कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए करना पड़ेगा। देखो ये एकदम सेंटर में वर्टिकली सेंटर तो आ गया, मुझे हॉरिजॉन्टली सेंटर लेके आना, तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसको एकदम यहाँ लाना है। तो क्या होता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है और यहाँ हमारे पास क्या होता है, सेंटर हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली जब हम करेंगे और एक बार रिफ्रेश मारते ना इस चीज़ को, देखना कंटेंट कहाँ जाएगा, अभी एकदम सेंटर में आ चुका है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली प्रॉपर्टी ना, मतलब बाय डिफॉल्ट देखो ना इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। तो ये तीन प्रॉपर्टी अपने अंदर ले रहा होता है, स्टार्ट, सेंटर, हॉरिजॉन्टली, और एक होती है प्रॉपर्टी एंड करके। तो एंड जब मैं करूँगा ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा एकदम सेंटर के अंदर आ जाएगा, देखोगे ना वो, मतलब सॉरी एंड में आ जाएगा इस तरीके से कंटेंट। तो देखा इस तरीके से क्या करते हैं, हम लोग आइटम्स को अरेंज करते हैं कॉलम वाइज। यहाँ पे देखो कॉलम हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी आती है बॉक्स। बॉक्स एक्चुअली मेन काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो कभी भी कोई एप्लीकेशन क्रिएट करोगे ना जेट पे कंपोज के अंदर, तो हमेशा ना पेरेंट जो है ना पेरेंट एक बॉक्स बना देना, क्योंकि बॉक्स क्या करता है ना आइटम्स को कहीं भी अरेंज करो तो कर लेगा यहाँ पे। देखो अगर एग्जाम्पल है फ्रेम लेआउट देखा होगा, फ्रेम लेआउट क्या करता है, अगर फ्रेम लेआउट के जो भी कंटेंट लिखोगे ना वो एक के ऊपर एक अरेंज करके दे देगा, एक के ऊपर एक कंटेंट आ जाएगा। तो बॉक्स यहाँ पे क्या है, उसका अल्टरनेट है, क्या करेगा एक के ऊपर एक कंटेंट को अरेंज करने का काम करेगा यहाँ पे। तो क्या करो, एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट करो जिसका नाम क्या है, बॉक्स लेआउट करके। अब ये क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो अभी मुझे अगर बॉक्स क्रिएट करना है तो एक बॉक्स नाम का कंपोजर फंक्शन होता है, इसको पहले यहाँ पर कॉल कर लो। बस मेरा काम खत्म हो चुका है यहाँ पर। अब ये बॉक्स एक्चुअली क्या करेगा, ये एक्चुअली कुछ ये डिफरेंट कंटेंट लेता है, बट देखो इसका लास्ट जो पैरामीटर बस देख लेना है यहाँ पर, वो क्या है, इसका क्या है कंटेंट है जो हाई ऑर्डर फंक्शन लेता है, एक्सटेंशन फंक्शन ले रहा है बॉक्स स्कोप का, और ये कंपोजर फंक्शन है यहाँ पे। तो क्या है, हम लोग कर्ली ब्रेसेस आराम से पास कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर क्या किया, इन कंटेंट को डाल दिया यहाँ पे। बस अभी देखो अगर मैं यहाँ से इसे बॉक्स को पहले क्या कर दूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, अगर देखो अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, देखना अभी कंटेंट का क्या हाल हुआ होगा यहाँ से। देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी ये कंटेंट देखोगे ना यहाँ पे, ये एक के ऊपर एक कंटेंट एक्चुअली यहाँ पर आ गए। क्या हो चुका, एक के ऊपर एक कंटेंट आ रहे हैं। तो बॉक्स का मतलब ही क्या होता है कि अगर एक के ऊपर एक कंटेंट लाना है तो हम इजीली ला सकते हैं। लेकिन अभी मेरी सपोज बारी ये आती है कि मुझे ना कंटेंट को ऐसे नहीं शो करना, मुझे ना मुझे देखो बॉक्स एक्चुअली मतलब क्या है कि एक ऊपर एक कंटेंट आता है, लेकिन बॉक्स की एक स्पेशल बात ये होती है ना, आपको कहीं भी आइटम्स को अरेंज करना हो ना पूरे एप्लीकेशन में, कहीं भी डालना हो वो डाल के दे देगा यहाँ पे। लेकिन पहले क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। देखो मॉडिफायर का भी मतलब क्या है कि हाँ कुछ मॉडिफिकेशन करनी है मैं कर लूँगा, बट अभी मुझे इसकी नीड नहीं है। एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट अलाइनमेंट। अभी कंटेंट अलाइनमेंट क्या करता है, एक्चुअली देखो बाय डिफॉल्ट टॉप स्टार्ट है, तो अभी कंटेंट देखोगे ना वो टॉप के एकदम स्टार्ट में बैठा हुआ है। तो कंटेंट अलाइनमेंट का मतलब क्या कि ये बॉक्स में जितने भी कंटेंट होंगे ना उसका जो अरेंजमेंट होगा ना वो क्या होगा, टॉप स्टार्ट होगा। लेकिन इससे क्या कर सकते हैं, कंटेंट अलाइनमेंट से हम इसका जो अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे वापस आओ,
ये कहते हैं कंटेंट अलाइनमेंट पैरामीटर होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हम लोग ना इसके अंदर क्या होता है, देखो कंटेंट अलाइनमेंट करके क्या आता है, ये आएगा ठीक है, कंटेंट अलाइनमेंट। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो देखो ये कंटेंट अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ से आओ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट करके अब देखो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी लेता है। सपोज़ मान लो मुझे ये जो कंटेंट है ना पूरा, मुझे इस पूरे कंटेंट को एकदम सेंटर में लेके आना है, सेंटर में समझे, एप्लीकेशन एकदम सेंटर में लिखा है ना, तो वो कैसे रख सकता हूँ। देखो कुछ नहीं करना है, ये सेंटर नाम का प्रॉपर्टी होता है, इसको कॉल कर लो। अब देखो इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने बोल दिया इस बॉक्स को कि भाई इस बॉक्स में मैंने दे दिया कि सेंटर अलाइनमेंट सेंटर दे दिया, कंटेंट अलाइनमेंट सेंटर दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी कंटेंट इसके बॉडी के अंदर होंगे ना वो एकदम सेंटर में आने वाले। तो अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँगा तो देखना जितना भी कंटेंट होगा एकदम सेंटर में आने वाला है। देखो आ गया ना कंटेंट एकदम सेंटर के अंदर। तो इस तरीके से मेरा बॉक्स काम करता है। चलो अलाइनमेंट की बात, अलाइनमेंट और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। मान लो मुझे अगर बॉटम में इसको अगर सेंटर में भेजना है, मतलब बॉटम एंड भेजना है, या मैं सपोज मान लो बॉटम मुझे सेंटर भेजना है, तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ देखना ना ये बॉटम के एकदम सेंटर में ये टेक्स्ट जितने भी हैं वो सारे देखो यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से ही काम करता है। लेकिन अभी मुझे इसको कुछ काम ही नहीं करना, मुझे बाय डिफॉल्ट वही रखना है। अब देखो सपोज मान लो कि मुझे टेक्स्ट जो वन टेक्स्ट है ना मुझे टॉप पर चाहिए, और टेक्स्ट जो टू है मुझे करना एकदम सेंटर में चाहिए, और जो थ्री टेक्स्ट है एकदम आखिरी में चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो अभी देखो यहाँ पर अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है मॉडिफायर के, इसके पास मॉडिफायर होती है, तो मॉडिफायर नाम का ये जो इंटरफेस में कॉल करना है डॉट करके एक अलाइन नाम की क्या होती है, इसका एक प्रॉपर्टी होती है। अब इस अलाइनमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइटम्स को ना कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। देखो ये क्या होता है अलाइनमेंट डॉट करके, सपोज़ मान लो कि मुझे टॉप स्टार्ट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये टॉप स्टार्ट ही रहेगा, ठीक है परफेक्ट। अब मुझे मान लो कि इसको क्या करना है, मॉडिफायर यहाँ पे वापस कॉल करो, देन मॉडिफायर मॉडिफायर डॉट करके ये अलाइनमेंट को यहाँ से कॉल करना है। अब मुझे इसको मान लो सेंटर टेक्स्ट टू को जो है मुझे सेंटर में लेके आना, तो क्या कर दो यहाँ से सेंटर स्टार्ट एकदम स्टार्ट में लेके आना सेंटर के। अब एक प्रॉपर्टी इसके अंदर थर्ड में भी यही देनी है हमको, लेकिन इसमें क्या करना है मुझे एंड में करना है यहाँ पे बॉटम के आई थिंक बॉटम स्टार्ट करना है, ठीक है इतना काम हो चुका है। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना तो देखना कंटेंट अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे। देखो अभी देखो ना एक टेक्स्ट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, तो जिसे हम कॉलम के थ्रू करते थे वो सेम यहाँ पर करना पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन ये बॉक्स की स्पेशल बात ये होती है ना, वो कहीं भी आइटम्स को लाना है ना, कहीं भी अरेंज करना है पूरे एप्लीकेशन में, वो अपने ऑटोमेटिकली कर देगा यहाँ से। और इसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि मुझे सेंटर स्टार्ट नहीं करना, एकदम सेंटर पे रखना है, तो सेंटर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ से, तो जो टेक्स्ट टू होगा ना एकदम सेंटर में आने वाला है। देखो क्या यहाँ से अभी कंटेंट एकदम सेंटर में आ चुका है। तो कहीं भी आइटम को अरेंज करना है तो आप मॉडिफाइड डॉट अलाइन पास करोगे, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, इसे डॉट करके देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे सेंटर हॉरिजॉन्टली, तो ये एक्चुअली वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, कुछ प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, जैसे सेंटर हॉरिजॉन्टली वर्क नहीं करता, ये एक्चुअली क्या करता, देखो दो प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, सेंटर हॉरिजॉन्टली सेंटर वर्टिकली, बिकॉज इसमें हमें काम ही नहीं करना होता है। प्रॉपर्टी कौन कौन सी वर्क करती है, जैसे टॉप से लेके यहाँ से स्टार्ट से लेके यहाँ पर एंड तक, ठीक है टॉप भी वर्क नहीं करता है यहाँ पे, अगर टॉप दोगे ना तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है टॉप स्टार्ट वर्क करता है, टॉप एंड वर्क करता है। मतलब क्या है कि दो प्रॉपर्टी दो अलाइनमेंट अपने अपने पास लेगा यहाँ पे, जैसे टॉप स्टार्ट हो गया, सेंटर स्टार्ट हो गया, सेंटर तो मतलब वही रखता है यहाँ पे, बॉटम एंड हो गया, बॉटम स्टार्ट हो गया, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी लेता है यहाँ से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो बॉक्स हो गया, रो हो गया, कॉलम वर्क करता है जेटपैक कंपोज के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हाँ हम लोग कैसे किसी आइटम्स को अरेंज करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको भी वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, पूरा फुल फ्लेज लेआउट क्रिएट करेंगे जेटपैक कंपोज के अंदर, और इसी का एक्चुअली हमें यूज़ करना पड़ेगा। और एक और स्पेशल बात बताऊँ यहाँ पर जेटपैक कंपोज की, अगर आपको बॉक्स का यूज़, रो का, कॉलम का यूज़ करना आ गया ना, तो फिर तो सिंपल बात है, पूरा एप्लीकेशन ही बन जाएगा पूरा, बिकॉज पूरा जो एप्लीकेशन है वो इन तीनों चीज़ पर ही डिपेंड करता है, बिकॉज आपको आइटम्स को अरेंज करना आना चाहिए। अभी और भी चीज़ें होती है, जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट, मोशन लेआउट भी होता है जेटपैक कंपोज के अंदर, लेकिन अभी उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़े। अभी के लिए क्या करो, यहाँ पे सीधा बॉक्स और रो और कॉलम की थोड़ा प्रैक्टिस कर लो यहाँ पर, कि कैसे हम लोग को आइटम्स अरेंज करना है, बाकी अपने आप ही काम हो जाएगा, ठीक है।